यहां पे हमारे पूर्वांचल से बहुत सारे लोग होंगे, वे जानते होंगे पहले जब वे काम धंधा करने के लिए आते थे उन्हें घर की चिंता होती थी। घर की चिंता इस बात को लेके होती थी कि पता नहीं कौन घर में कब्जा कर ले, कौन जमीन पे कब्जा कर ले। लेकिन पिछले 7.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी माफिया ने कहीं पे कोई कब्जा किया है तो खाली हो चुका है, स्वयं खाली हो गया। इससे पहले कि वहां बुलडोजर चलता और स्वयं खाली होके वहां गए, अब वहां कब्जा नहीं होता है। 7.5 वर्ष में वहां कोई दंगा ही नहीं हुआ। दंगा ही या तो जेल में या जहन्नुम में। राम नाम सत्य है कि यात्रा निकल गई। और बहनों और भाइयों, यही मैं कहने के लिए आया हूं, कार्य करने के लिए दम चाहिए और दमदार सरकार भी चाहिए। जब सरकार होगी दमदार तो कार्य होगा ईमानदारी के साथ, और वही दमदार सरकार, डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी केवल दे सकती है। जो लोग राम को कोसते होंगे, जो एक्सीडेंटल हिंदू हैं, वे आपके प्रति भी और देश के प्रति भी ईमानदार नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। और यही कहने के लिए मैं आया हूं, ये पंचकुला एक नई पहचान हरियाणा की है। पंचकुला विकास की धुरी बन रही है। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में, यहां के विधायक के रूप में, श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी के नेतृत्व में विकास की धारा यहां पर बही है, मजबूती के साथ आगे बढ़ी है।